कोसीकला राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक होटल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापार मंडल की नवीन कार्यकारिणी के विस्तार एवं समाज सेवियों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ डीसीएफ के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष कर्णवीर चौधरी, नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, ललित अग्रवाल ने माँ सरस्वती के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन करके माला पहनाकर किया। तत्पश्चात अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, ललित अग्रवाल, सुनीत अनंत, महेश पाल, शिवकांत चौधरी, राहुल अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष एवं कर्णवीर चौधरी सहित कार्यक्रम में मौजूद कार्यकारिणी के विस्तार पदाधिकारियों का सम्मान पत्र दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर आयोजित किया जाने वाला व्यापारियों की समस्याओं को लेकर किया जा रहा है, जिससे नगर के व्यापारियों की सुविधा की मांगों को उठाया जा सके। इसके साथ साथ जहां तक कोसीकला नगर पालिका परिषद का सवाल है, सभी लोग कोसीकला के हैं। हमने कोसीकला की स्थिति को समझा है, अभी महीना भर भी नहीं हुआ, आप जानते हैं केवल 16-17 दिन हुए हमारे अभी सभी मेंबरों के माध्यम से। आज शहर के अंदर मैं समझता हूं कि हर गली और मोहल्ले में, पंडित जी आप भी देख रहे होंगे कि कितना परिवर्तन आया है। ऐसे ऐसे मोहल्ले, ऐसी ऐसी गलियां हैं जहां दसों साल से सफाई अभियान नहीं चला होगा, दसों साल से उनकी सफाई नहीं। सेरगढ़ रोड पे आप चले जाइए, सेरगढ़ रोड पर जो खोखे रखे रहते हैं उनके पीछे गलियां इतनी भर गई थी कि उनमें शायद 10 साल बाद सफाई हुई है, और उससे कम से कम 4 गलियां सुरक्षित हुई है, वहां का पानी आने लग गया है। तमाम ऐसी जगह है, बल्लेवंश से निकासा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो नलियां खत्म हो गई थी। मैं आप सब व्यापारियों से निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप लोग स्वयं नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों का सहयोग करें, उनकी व्यवस्थाओं का सहयोग करें। हम लोग सीधा कूड़ा करकट नालियों में भर देते हैं, नालों में भर देते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं, ये गलत बात है। शहर हमारा है, यदि शहर के अंदर कोई भारतीय व्यक्ति आता है, कोई हमारा रिश्तेदार आता है, बाहर से कोई व्यक्ति कोसीकला हमसे मिलने आता है, आपसे मिलने आता है, शहर के अंदर घूमने आता है, तो क्या इंप्रेशन लेगा? आप भी जानते हैं सड़कों पर 24 घंटे सफाई कर्मचारियों को रहना बड़ा मुश्किल है, 24 घंटे में एक बार झाड़ू का काम करते हैं। लेकिन व्यापारी बंधु या जो भी सड़कों से गुजरता है, व्यक्ति लिया कूड़ा सीधा सड़कों पर फेंक दिया, आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग उस समय कूड़ा डालें जिस समय आपके द्वार पर, आपके प्रतिष्ठान के सामने यदि कोई सफाई कर्मचारी आया है तो उसको सीधा कूड़ा देने का कार्य करें। मैं आप सबसे विनम्रता के साथ अपील करता हूं, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारी योजना है, हमारा एक सपना है कि शहर को स्वच्छ सबसे पहले बनाए। स्वच्छता के साथ साथ शहर का सामूहिक सर्वांगीण विकास करने का हमारा सपना है, उस सपने को साकार करने में सबसे पहला सहयोग यदि है तो वो व्यापारी समाज का हमको चाहिए। व्यापारी समाज के हम महत्व जानते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, जिस समय कोई व्यक्ति देहात में चुनाव लड़ता है, ग्राम प्रधानी का भी चुनाव लड़ता है, तो वो सबसे पहले बाजार से रैली निकालकर बाजार से 10 लोगों को साथ लेकर एक मैसेज देने का कार्य करता है। मैं बठेल का प्रधान बनना चाहता हूं और मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूं। बाजार की बहुत बड़ी प्रमुखता है, बाजार से जो संदेश जाता है वही संदेश आखिरी संदेश माना जाता है।